हेलो जी, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ ना कल मतलब 28 तारीख को, तो ये कुछ 27 तारीख की क्लिप्स हैं। मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। होली का उत्सव था, फाग उत्सव, होली के भजन, कुछ भी आप लोग जैसा भी चाहे वैसा कह सकते हैं। तो उसके लिए प्रसाद की तैयारी 27 तारीख को हो रही थी। हमने उसके लिए बनाई थी मूँगफली तिली की बर्फी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शक्कर की चाशनी। तो वो अब आप देखिए, शक्कर की चाशनी बन रही है। और फिर उसके बाद मूँगफली ऑलरेडी हम लोग सेक चुके हैं, तिल्ली भी सेक ली थी और उन्हें पीस भी लिया था। और ये सब काम मेरी सासू माँ कर रही थी, मैंने सिर्फ चाशनी बनाई थी। बिकॉज़ अविक मुझे बहुत तंग कर रहा था, आप लोग देख ही सकते हैं, बार बार वो गोदी गोदी में आने की ज़िद कर रहा था। बट ठीक है, फिर हो ही गया। आखिर यहाँ मूँगफली पिसा के रखा गई है और फिर अब यहाँ माँ चाशनी को हिला रही हैं, क्योंकि उसको कंटिन्यू हिलाना पड़ता है, नहीं तो वो कड़क वड़क होने के भी चांसेस रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। और मैंने सीखा भी, तो यहाँ फिर इन लोगों ने ऐसे उसको दबा दबा के प्लेट में, थाली में जमा दिया है। और फिर इसको थोड़ी देर बाद फिर मैंने कट कर लिया था। यहाँ अविक को सीज़न की पहली आइसक्रीम मिली तो वो बहुत एक्साइटेड था। फिर इस तरह से हमने कट करके मैंने उसको डब्बों में जमा लिया फटाफट से। फिर पता है क्या हुआ था ना, माँ के पास एक्चुअली फ़ोन आ गया था जब वो कट कर रही थी, तो वो प्रॉप फिर उसका चूरा चूरा ऑन लगा था। तो फिर बाद में मैंने उसको थोड़ा सा गर्म करके उसके ऐसे लड्डू बना दिए थे जो पीछे से बचा था उसके। बस अब ये प्रसाद हो गया है, अब मैं इसको अंदर छुपा के रख दूँगी ताकि कोई भी इसमें हाथ ना लगाने पाए। तो ये है 27 की रात, एक्चुअली शाम थी। शाम को मैंने सोचा कि जाके इसको कर लेती हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई, मुझे नीचे जाना पड़ा। मैंने ना इसमें ये विद्या की होती है ना पत्तियाँ, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं तो अभी तक स्कूल से लेकर अभी तक विद्या ही बोल रही हूँ इसको। तो मुझे इसको लगाना था, इसलिए मैंने सोचा कि जाके एक लगा लेती हूँ, बट मैं नहीं लगा पाई। फिर रात में मैंने ये काम चालू किया, रात में 11 बजे मैंने ये काम चालू किया इस पर लगाने का। और मुझे इस पर कर्टन वर्टन भी लगाना था। और अविक पूरी तरह से सो गया था, अच्छे गहरी नींद में सो रहा था मतलब। तो फिर मैं फ्री थी, तो मैंने बोला अब मैं लगा लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ। फिर ऐसे इस मैंने इस पर लगा के और धागे से बांध बांध के लगाते हैं। ये चीज़ ना मैंने मेरे दादाजी से सीखी है। ये करते करते मुझे उनकी इतनी याद आई है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ आपको। एक दो बार तो मेरे आँख में ही पानी आ गया उनको याद करते करते। बट ठीक है, क्या हुआ यदि वो साथ में नहीं है तो उनकी दी हुई सीखें तो साथ में है ना, ये भी हमारे लिए काफ़ी है। दूसरे दिन मिलते हैं, तो दूसरे दिन यहाँ सुबह सुबह मैं मेरे पेड़ों को देखते हुई और मैं हो गई रेडी फटाफट, क्योंकि आज का दिन बहुत काम था। तो आज का दिन से मेरा मतलब है 28 फरवरी। फरवरी छोटी होती है ना, प्यार का महीना। तो बस 28 फरवरी, लास्ट डे ऑफ फरवरी हमारा ये रेडी है। और अब मैं जाऊंगी नीचे, नीचे थोड़े बहुत काम करूंगी। यहाँ अविक उसके कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। फिर मैं ना नीचे चली गई थी फटाफट से, अविक को भी लेके गई थी बाद में। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वाश्ता किया, चाय पी, ये सब जनरल काम किए। और लंच बस मैंने प्रिपरेशन कर दी थी, बाद में लंच बनाया माने था। और ये होली का एक पार्सल आया है, मतलब पार्सल मतलब हमारी दुकान पे गिफ्ट्स आते हैं, तो ये उसका बिरला सीमेंट का, एमपी बिरला सीमेंट का गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा सा। इसी की कलर्स मैंने यूज़ किए थे। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, जो मेरा डेकोरेशन बचा था उसको कम्प्लीट करने। अब आगे का लंच और किचन माँ की जिम्मेदारी है। इवन अविक भी थोड़ी देर तक उनके ही पास था। और फिर बाद में जब मैंने पूरा डेकोरेट कर लिया था और अविक ऊपर आया ना, तो सोचता है ओ वाओ मम्मा। फिर मैंने ना सिर्फ टूथपिक में एक एक फूल लगाकर उसको इसके बीच बीच के धागों में फंसा दिया था। एंड ये सब कुछ मैंने मेरे दादाजी से ही सीखा है। वो ऐसा बहुत कुछ करते थे वहाँ मेरे पेयर में ना, पुष्टि मार्ग की सेवा है एक्चुअली, तो वो करते थे, उनके साथ हम करवाते थे और करते करते सीख गए। तो यहाँ ये मेरा पीछे का बैकग्राउंड पूरा रेडी है। कैसा लग रहा है ये मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं और उत्साहित होंगी, प्रोत्साहित होंगी आगे ब्लॉग्स बनाने के लिए। और इस पर स्प्रे बॉटल से स्प्रे करते रहने से ना ये जो फ्लावर्स है ये थोड़े फ्रेश रहेंगे, ये भी मैंने उनसे ही सीखा है। और ये मैं एक मेल फीमेल का पॉट का सेट लेके आई थी। फिर मैंने पलाश के फूल बुलवाए और मैंने उससे ही घर में ऑर्गेनिक कलर बनाया। कैसे बनाया है उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, शॉर्ट्स में डाली है मैंने। ये आरती की थाली सजाई मैंने, ये हल्दी और कुकू से आरती की थाली सजाई थी। थाली पे पहले ना तेल लगा देते हैं और उसके बाद ये डाल देते हैं तो चिपका रहता है, फिर तो हल्का हल्का झटकार लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने आरती की थाली सजाई थी। फिर मैंने सोचा कि अब फटाफट लंच कर लेते हैं और सबको करवा देते हैं ताकि लंच से भी फ्री हो जाएं। तो फिर मैं लंच करने बैठ गई।
सबको लंच कराकर खुद को करते करते ना 2 बज गए थे और मुझे बहुत थकान भी हो रही थी, लेकिन थकना मना है। तो बस मेरा अब झाड़ू बचा है तो मैं झाड़ू कर लेती हूँ यहाँ पे फटाफट, फिर वापस ऊपर जाऊँगी और डेकोरेशन करूँगी। और मैं आपको एक एक चीज़ नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए मैं बहुत सॉरी भी फील कर रही हूँ बाद में। हाँ, मेरा ये डेकोरेशन भी कम्प्लीट हो गया है, मैंने ठाकुर जी भी बैठा दिए हैं और फिर बस बिछात बची थी, मतलब कि नीचे बिछाने करने का बचा था, तो वो तो बाद में मैंने दुकान से एक वर्कर आया था तो उसके हेल्प से करवा लिया था, क्योंकि उतना फिर मुझसे हो नहीं पा रहा था। और अब मैं वापस स्प्रे कर दूंगी ताकि ये फूल फ्रेश रहे। धूप तो थी ही हल्की हल्की सी, पर ठीक है, फाग की धूप तो मीठी होती ना। और फिर मैं चली गई रेडी होने। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। मैंने राजपूती सूट पहना था और ये सूट मेरा पहला वाला जो मैंने ड्रेस ख़रीदा, ये पहला मेरा ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद है और इसमें ऐसा मल्टी कलर्ड है ना, इसलिए मैंने इसको चुना। और बहुत सिंपल सिंपल सी एक्सेसरीज़ रखी थी मैंने। फिर नीचे जाके चाय पी ली और फिर मैं वापस ऊपर आ गई ताकि सारे लेडीज़ आएँ तो मैं उनका वेलकम कर सकूँ और उनको बैठा सकूँ, उनको अटेंड कर सकूँ। माँ तो नीचे थे ही, इसलिए मैं छत पर आ गई। एक बार मैं आपको पूरा ठाकुर जी का दिखा देती हूँ कि मैंने कैसा डेकोरेट किया था। आरती की थाली रखी थी, यहाँ प्रसाद रखा था और फिर ठाकुर जी को बैठाया था। फिर सब लेडीज़ आ गई और भजन चालू हो गए। बहुत एक ऐसे एटमॉस्फेयर ना बहुत ही भक्ति वाला बन गया था, बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ में ऐसा। फिर मैंने भी एक भजन गाया। और अभी कितना बदमाश है, उसने ठाकुर जी के पास से लड्डू उठा लिया और खाना चालू कर दिया। देखो कितना इतरा रहा है, लड्डू मिल गया, लड्डू मिल गया। फिर मुझे चाची जी ने बोला कि चलो डांस करते भजन करो। फिर मैं यहाँ पे डांस करने लगी, पहले सब करे थे, फिर सब धीरे धीरे हट गए, बस मैं ही बच गई डांस करने के लिए। फिर मैंने ना ठाकुर जी को होली खिलाई, तो सबसे पहले तो ना ठाकुर जी को चंदन की होली खिलाई, उनके गालों पे चंदन लगाया, उनको टीका लगाया चंदन का, राधा कृष्ण जी को भी टीका लगाया, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल को भी टीका लगाया। फिर मैंने उनको फूलों की होली खिलाई, सबसे पहले मैंने ना गुलाब के फूल डाले उनके ऊपर, डाले उनके चरणों में डाले। फिर ना ऐसा करते हैं, ऐसे जो अपन ने बनाया हुआ रहता है ना पूरा ऐसा होली का माहौल बनाने के लिए, सब जगह भी वो सब डालते हैं। फिर फूल डालने के बाद मैंने ना गुलाल ली, गुलाल से उनको टीका लगाया, उनके गालों पे गुलाल लगाई, राधा कृष्ण के चरणों में भी गुलाल चढ़ाई, उनको गालों पे लगाया। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके, एकदम मन को शांति मिलती है ये सब करने में। तो फिर बस मैंने उनको गुलाल से खिलाया, फिर उसके बाद जो मैंने रंग बनाया था उससे भी मैंने उनके कपड़ों पर और सब जगह छींटे डाले कुछ रंग के बाद। ऐसा लग रहा था सनसेट हो रहा था तो वो बहुत प्यारा दिख रहा था, पीछे से बहुत प्यारा बैकग्राउंड आ रहा था ठाकुर जी का। फिर सब भजन गाते रहे और बहुत बहुत अच्छा लगा, एकदम सबको भक्ति वाला माहौल में सबको आनंद जैसा आ रहा था। फिर बारी आई कि मैं सबको होली खिलाऊं, तो फिर मैंने सबके ऊपर फूलों की बारिश करना चालू कर दिया। फिर फूलों के बाद मैंने रंग गुलाल उड़ाया और अभी मेरी स्प्रे बॉटल लेके भाग गया था, उसमें बाद में मैंने कलर का पानी भर दिया था और ये सब पे वहाँ पे डाल रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था ऐसा करने में। ये मैंने गुलाल उड़ाना चालू किया, बिल्कुल ऐसे गुलाल तो ऐसी उड़ाई मैंने कि जैसे बादल बन गए हो। और ये अविक को देखिए, इसको कितना मज़ा आ रहा है। फिर ठाकुर जी को होली खिलाने के बाद ठाकुर जी कुछ इस तरह से दिख रहे थे, कितना प्यारा दिख रहा है ना सब कुछ।
फिर ना सब लोगों ने बोला कि चलो चलो खड़े होके थोड़ा सा गरबा खेल लेते हैं। तो ठाकुर जी के आजू बाजू सब ने राउंड बना के गरबा खेलना स्टार्ट कर दिया और मैं ना बीच में खड़ी हुई थी, सबको गुलाल लगा रही थी। फिर गरबे के बाद हमने टाइम आता है कि अब हम ठाकुर जी की आरती कर ले, तो उनको मैंने भोग लगाया और आरती की तैयारी करी और फिर मैंने माँ को बुलाया, तो माँ ने आरती करी ठाकुर जी की। फिर बारी बारी से हम सब ने भी करी, मैंने भी करी। फिर बाद में मैंने ठाकुर जी का राइन ऑन किया और न्योछावर वगैरह चढ़ाई, वो जो नॉर्मल है। और अविक ने ना बाद में मैं उसको सेल्फी कैमरा दिखाई थी, तो उसने बाद में देखा कि अरे मम्मा मेरे गाल पे कलर लगा, ये क्या हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर सबके लिए हमने नाश्ते में ना समोसे और जलेबी बुलवाए थे, तो सबको समोसे और जलेबी का नाश्ता दिया, सबने नाश्ता किया। वो सब फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। बस फिर मैंने ठाकुर जी को बोला कि चलो अब नीचे चलते हैं और मैं उनको नीचे ले गई। बस फिर बहुत थक गई थी, तो सबने जिसको डिनर विनर करना था उन्होंने डिनर किया, मैंने तो किया भी नहीं था। और फिर मैं तो सोने आ गई, मेरा बच्चा बेचारा इतना थक गया था। मैंने उसको पूछा अभी पैर दुख रहे, तो बोलता हाओ मम्मा। फिर मैंने उसको भी फटाफट सुला दिया। आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। सब्सक्राइब माई चैनल।